राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा रानी घर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से कुकर में कैसे पुष्पन्न बनाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं आज गोपाल जी के लिए पुष्पन्न बनाऊंगी। बहुत कुछ ज़्यादा कुछ घर पे है भी नहीं है, मैं घर पे जो भी है कुछ वहाँ से वैसी उस इंग्रीडियंट से ही मैं पुष्पन्न बनाऊंगी। थोड़ी सी काजू है, थोड़ी सी किशमिश और जो काठबादाम है वो है थोड़ी सी, और इलायची लौंग वगैरह। हम क्या मैं मैंने स्टोव पे चूल्हे पे देखिए कुकर गरम कर लिया है। मैं इसकी जो पुष्पन्न है वो उसकी बनाने की प्रोसेस में शेयर करती हूँ। पहले मैं कढ़ाई पे टेबल स्पून से मैंने एक चम्मच घी लिया है, टेबल स्पून से मैंने एक चम्मच घी। मैंने चावल लिया है 300 ग्राम, मैंने चावल 300 ग्राम लिया है। चावल डाल देती हूँ, फिर मैंने जो जो भी मैंने लिया है काठबादाम और इलायची लौंग दालचीनी इलायची जो भी है मैंने लिया है किशमिश वो मैंने दे दिया है। इसे अच्छे तरह से मैं मिक्स करूँगी। अदरक भी लिया है मैंने, कि मैं इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। तेज पत्ता दे देती हूँ, थोड़ी सी हलूद, फिर मैं मिक्स करती हूँ। इसे पुलाव भी कहते हैं और हम लोग बोलते हैं इसे पुष्पन्न। हम तो गोपाल जी के लिए भोग बनाते हैं इसे, इसलिए इसके हम लोग बोलते हैं पुष्प अन्न। थोड़ी सी इसे फ्राई करने के लिए देते हैं, थोड़ी सी फ्राई करते हैं। नमक दे देते हैं स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 300 ग्राम चावल लिया है, फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं। मैंने 250 ग्राम कप से एक कप पानी लिया है, पहले 250 ग्राम ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी मैंने 500 ग्राम 500 ml मैंने यहाँ पानी डाला है। कुकर के ढक्कन मैं यहाँ वन जो कहते हैं सिटी में एक सिटी तक इसे बॉयल करेंगे। चलिए गाइस, रेडी हो गया है, मैंने 1 सिटी तक इसे बॉयल किया है। इसे हम देखते हैं ये कैसे बना। बहुत ही खूबसूरत है, देखिए बहुत ही खूबसूरत बना है ये, बहुत ही खूबसूरत देखिए। चलिए इसे हम करते हैं प्लेट में ले लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने कैसे पुष्पन्न बन जाते हैं। इसे हम अभी गोपाल को भोग लगाएंगे। तो गाइस, आपको इस रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्णा, थैंक यू।